नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम बात करने वाले हैं समाज की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, भेदभाव को लेकर। तो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, भेदभाव को लेकर ही बात करेंगे कि हमारे समाज में भेदभाव किस तरह से है, कहीं जात धर्म को लेकर तो कहीं काले गोरे को लेकर, तो मतलब तमाम तरह की जो है हमारे समाज में भेदभाव है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, इस तरह से मतलब भेदभाव फैले हुए हैं समाज में। तो इस भेदभाव को समाज में जो है कौन फैला रहा है, कैसे फैल रहा है भेदभाव, और इसको अगर दूर किया जाए तो कैसे दूर किया जाए इस भेदभाव के, तो आज जो है हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग भेदभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है और किस तरह से भेदभाव है। आज जो है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो भारत के कई सारे गांवों में अब भी जो है मतलब कि जिस थाली में कुत्ता खा लेता है उस थाली को धुल के रीयूज कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी थाली में कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति खा लेता है तो उस थाली को धुल के रीयूज नहीं किया जाता है। यानी कि वो आदमी को मतलब कुत्ते से भी बदतर समझा जा रहा है। यहां मैं वो नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते से, लेकिन जो समाज की ये धारणाएं हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि आदमी मतलब एकदम से भेदभाव का पूरी तरह से शिकार बना हुआ है और सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ होता है जिसका स्तर डाउन है, यानी कि उसके पास कम पैसे हैं, मनी वाली जो प्रॉब्लम है उसके पास कम है। और अगर कोई भी लोअर कास्ट का ही व्यक्ति है उसके पास खूब सारे पैसे, हम उससे उसकी कास्ट नहीं पूछते, उससे सामने बैठ के चाय पीते हैं, तो क्या यह भेदभाव मतलब अगर कहें तो एक स्तर देख के भेदभाव है या किसी की कास्ट देख के भेदभाव है? देखो, भेदभाव के जो विपक्ष में बताते हैं उनका मतलब की मानना है कि भेदभाव हमने जो है ना तो कास्ट देखी है, ना तो जाति देखा है, ना तो धर्म देखा है। भेदभाव को देखो, जो विपक्ष में भेदभाव के बताते हैं कि भेदभाव मतलब लोग कहते हैं कि ना हम तो जो है अपना ना तो पिछला जन्म देखा है, हम खुद ही बोले तो हमने पिछला जन्म थोड़ी ना देखा है, हमने पिछला जन्म क्या हुआ था। तो अगर लोगों का मानना है पिछले जन्म के हिसाब से तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछले जन्म के अनुसार भेदभाव करना तो एकदम से गलत है। पिछले जन्म के अनुसार अगर किसी के कर्म क्या थे, भगवान जाने किसी के कर्म क्या थे, और फिर पिछला जन्म कौन जानता है। हम तो आज अपना कल आने वाला कल के बारे में तो जानते नहीं, हमारे कल क्या होने वाला है, तो हम फ्यूचर और पास्ट को क्यों देखें। तो इस अनुसार से भेदभाव करना एकदम से गलत है मेरे अकॉर्डिंग। अगर जो है तो भगवान श्री राम जो थे सबरी के झूठे बेर खाए थे, सबरी भी एक दलित कास्ट से आती थी, तो भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम लोग कौन होते हैं यार भेदभाव करने वाले। तो अगर देखें तो भेदभाव को जो है बढ़ावा अंग्रेजों ने दिया है। जब अंग्रेज आए तो उनको जो है भेदभाव फैलाने में मतलब थोड़ा फायदा हुआ, तो वो फायदे के चक्कर में जो है भेदभाव को ज्यादा, पहले इतना भेदभाव नहीं था। अंग्रेज जब से आए तब से समाज में कुछ ज्यादा ही भेदभाव फैल गए थे, और जब भेदभाव खत्म हुआ तो फिर आ गए हमारे राजनेता जो कि आज हमारे देश को चला रहे हैं। ये राजनेता जो है अपने वोट बैंक के चक्कर में जाति धर्म को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं जाति धर्म, और मीडिया भी इस जाति धर्म को अच्छे बहुत अच्छे तरह से मतलब दिखाती है, किसी धर्म वाले मतलब मुस्लिम हिंदू इन सब को लेकर जो है हमारे समाज को एक तरह से देखे तो बांटा जा रहा है, इस कास्ट वाले इधर रहेंगे, इस कास्ट वाले इधर रहेंगे, और फिर दोनों के बीच में ये लड़ाई करवाएंगे और ये लोगों का फायदा होगा राजनेताओं का। तो भेदभाव खत्म जो है इन सब खत्म करने के लिए भेदभाव को, जैसे कि दूसरे कास्ट के लोगों को शादी के लिए बढ़ावा देना चाहिए, दूसरे कास्ट के लोगों के यहाँ जाना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। यार देखो, अगर बात करें तो भेदभाव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे हम आदमी, जैसे हम ह्यूमन, वैसे सामने वाला बंदा भी ह्यूमन है, तो हम उसको भेदभाव करके उसके साथ गलत व्यवहार करें तो ये एक गलत चीज है ना। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो आरक्षण भी जो है हमारे समाज में एक भेदभाव पैदा कर रहा है। आरक्षण जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लाया था तो उनका उद्देश्य कुछ और ही था उस आरक्षण को लाने के लिए, पर हमारे राजनेता अपने वोट के लिए उस आरक्षण को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आरक्षण भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक भेदभाव ला रहा है। वो क्यों ला रहा है? क्योंकि जो है अभी क्या हुआ, हाल ही में मेरा एक फ्रेंड था,
उसका मतलब किसी जॉब में क्वालिफाई नहीं हो पाया है, बट उसके साथ वाला बंदा जो है उसके मतलब क्वालिफाई हो गया, जबकि वो पढ़ने में उससे वीक था और वो पढ़ने में ज्यादा टैलेंटेड था, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं हो पाया और वो क्वालिफाई हो गया। तो जो है उसके मन में एक दिन मुझसे मिला, जब तो मुझे बताने लगा कैसी ऐसी बात, तो उसके मन में कहीं ना कहीं लेकर उसके प्रति एक हेट मिलता था। तो एक ये भी रीजन है, आरक्षण भी हमारे समाज में जो है एक भेदभाव पैदा कर रहा है। तो इन सब से जो है यही सीख मिलती है हमको कि भेदभाव के बहुत सारे रीजन है, इन सबको दूर करने का जो तरीका मैंने बताया है, इसी तरीके से भेदभाव को दूर किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। यार शेयर नहीं करते हो तुम लोग, शेयर कर दिया करो।